नमस्कार, मैं हूं बाबा। बाबा इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत। आज हम एक प्रेस्टीज इंडक्शन है, इसका मॉडल नंबर है PIC 2.0V2। इसका प्रॉब्लम देखिए, इसका प्रॉब्लम क्या है, E7 चालू करते ही E7 इसका आ रहा है। तो इसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें और कैसे करें, ये आपका को हम बताएंगे। अभी हमने इसको खोल दिया है, उसको पोर्ट का ढक्कन ये भी खोल दिया। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है, हम आपको दिखाते हैं। E7 प्रॉब्लम जो है, ये आपका एक ये रेजिस्टेंस या ये 200 के का रेजिस्टेंस है, 200 के का, इसमें से अगर कोई रेजिस्टेंस ख़राब होगा तो आपका E7 आएगा। इसको मैं खोल के चेक किया हूँ, ये सही है। तो ये वाला जो है आपका ये रेजिस्टेंस जो है, खोल के मैं चेक किया तो ये ख़राब निकला। तो इसको हम लगा के, अभी इसको निकाल के लगा के फिर चेक करेंगे। और इसको एक साइड में हटा के हम नाप लिया तो ये सही है, 120 सी 200 के का है, ये सही है, ये भी 200, सब ये सब 200 के सही है, लेकिन ये आपका कम आ रहा है। तो इसको बदल के हम चेक करते हैं क्या होता है। ये रेजिस्टेंस को हमने निकाला है लेकिन ये ख़राब निकला। इसको हम नया लगाएंगे। अभी यहाँ से निकाला हूँ, यहाँ से निकाला हूँ, इसमें लिखा भी है कितना कितना का रेजिस्टेंस लगाना है सब। इसको लगा के हम चेक करते हैं। ये हमने दूसरा लगा दिया है, नया वाला रेजिस्टेंस लगा दिया 200 किलो का। अब इसको हम चेक करेंगे। अब इसको लगा दिया है मैं, अब इसको चेक करेंगे। ये देखिए, अभी ये सेंस कर रहे हैं बर्तन, अब डायरेक्ट लगाएंगे। अभी डायरेक्ट लगा दिया मैं, अभी चालू करेंगे। ये 1300 आ गया, चालू हो गया। अभी गर्म होना शुरू हो गया, अभी ठीक हो गया। ये मतलब एक रेजिस्टेंस का चलते, केवल 200 के एक रेजिस्टेंस का चलते आपका E7 आ रहा था। अब E7 अब क्लोज हो गया, अभी ठीक हो गया। बस E7 आने से आप ज़्यादा इधर इधर नहीं देखिए, मात्र आप वो चारों रेजिस्टेंस देखिए, उसमें से एक ख़राब होगा। आपको वोल्टेज कभी आप वोल्टेज नापोगे तो सही बताएगा, लेकिन आप खोल के एक एक करके देखिए तो उसमें से एक ने ख़राब होगा, उसको बदल दीजिए, ठीक हो जाएगा। ये छोटा सा वीडियो है, धन्यवाद।